हमारे गुरुकुल पौंडा डिस्ट्रिक्ट देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम ले रहे हैं। मैं उन सबको पहले तो एससीईआरटी परिवार की तरफ से बधाई दूंगा कि आगे चलकर के हमारे सभी मास्टर ट्रेनर्स एससीईआरटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में भूमिका निभाएंगे। इस काम के लिए मैं सबसे पहले जो संस्कृत फाउंडेशन प्रमोशन फाउंडेशन है संस्कृत की, उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी का बहुत बहुत आभार, और उनके साथ जो हमने एमओयू साइन किया है जिसकी वजह से हम गुरुकुल के माध्यम से इस कार्यक्रम को संपन्न करा पा रहे हैं। आपको विदित होगा कि ये कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि 2 जुलाई को समाप्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिल्ली के संस्कृत अध्यापकों के संप्रेषण, उनके बोलचाल में संस्कृत का अधिकतम प्रयोग, और अधिक से अधिक बच्चों को नामांकित करने के लिए किस तरीके के हम ये जो मेथडोलॉजी है उसको प्रयोग में लेकर के आए, साथ ही साथ वहां पर प्रशिक्षण के बहुत सारे तरीके, हम इसको रोचक कैसे बनाएं, कैसे हम बच्चों के मध्य में लेकर के जाएंगे, ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होंगी जिनके माध्यम से बच्चे सरलतम ढंग से संस्कृत भाषा को सीख सकें, इन सब कामों पर जो रोशनी होगी वो गुरुकुल के माध्यम से दी जाएगी। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि जो परिवेश है संस्कृत को सिखाना और सीखना, वो एक गुरुकुल में बहुत आसानी के साथ संभव हो सकता है। और एससीईआरटी के निदेशक महोदय जिनके सानिध्य में हम लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार अभिव्यक्त करूंगा। साथ ही साथ संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष जिनके साथ एमओयू है, श्री चांदकिरण सलूजा जी का बहुत बहुत आभार। साथ ही जो आर्य गुरुकुल जो पौंडा में है, मैं उनके संचालकों का विशेष रूप से आभार करना चाहूंगा कि एससीईआरटी दिल्ली के साथ उन्होंने मिलकर के काम किया, हमारे टीचर्स को ट्रेंड कर रहे हैं और आगे भी वो हमें सहयोग देते रहेंगे। हमारे इनसेट के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर बीके पाठक जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं और दिल्ली के अध्यापकों को एक अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।